अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस कोर्स सीरीज़ के अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है और उसके अंदर कितने फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है और उसके क्या क्या और उसके अंदर चीज़ें डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमने उसे डिवाइड किया हुआ है। तो फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कैन मीट, जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं और फिर अपनी सिक्योरिटीज को सेल करते हैं या बाय करते हैं, स्टॉक बॉन्ड्स वगैरह को। तो दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की फैसिलिटीज क्या है, इधर जो है फाइनेंशियल मार्केट की तीन फैसिलिटीज हैं। वो हमें क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, एक रेजिंग ऑफ कैपिटल, दूसरा ट्रांसफर ऑफ रिस्क और तीसरा मैचिंग दोस कैपिटल। अगर रेजिंग ऑफ कैपिटल की बात की जाए तो रेजिंग ऑफ कैपिटल से मुराद ये है कि वो हमें मदद करता है हमारे बिजनेस को बढ़ाने में, हमारे बिजनेस के रिस्क को ट्रांसफर करने में और हमारे बिजनेस को में कितना पैसा चाहिए उसको मैच करवाने में मदद करता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को हम मनी मार्केट भी कहते हैं और हम स्टॉक मार्केट भी कह सकते हैं। स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल मार्केट के अंडर में आता है। उसके बाद देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन दो है, एक है प्राइमरी मार्केट, दूसरी है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें पहली बार शेयर जो है फ्लोट किए जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें शेयर पहली बार से ज़्यादा फ्लोट किए गए हो चुके हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर इसकी एग्जांपल से हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मैं हूँ, मैंने अपनी फाइनेंशियल मार्केट में पहली बार अपनी कंपनी के मैं शेयर्स पहली बार फ्लोट कर रही हूँ, तो वो क्या कहलाएगा कि पहली बार करने पे प्राइमरी मार्केट कहलाएगी। अगर मैंने एक बार कर दिए, फिर दूसरी बार, फिर वो बाय सेल हो रहे हैं, कोई और ले रहा है, कहीं किसी के पास जा रहे हैं पैसे, कोई और खरीद रहा है, तो ये जो ट्रांजेक्शन होती है वो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का ये फर्क है। नेक्स्ट, अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर, नॉन बैंकिंग सेक्टर और स्टॉक मार्केट्स को फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है इस वीडियो को रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और नीचे का लिंक बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पे जाके आप इसके नोट्स जो हैं ले सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।